हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप एंड आई विश टू गॉड यू ऑल आर फाइन। इन प्रीवियस वीडियो आई हैव टॉक्ट अबाउट दैट हाउ कैन यू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हाउ कैन यू फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ एनी नंबर, हाउ कैन यू फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, हाउ कैन यू फाइंड द यूनिक डिजिट ऑफ एनी स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। ठीक है बेटा, इट इज द मेन मेथड। टुडे आई विल टीच यू हाउ कैन यू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिविजन मेथड। इसके बाद बेटा हम लोग थोड़ा सा ट्रिकी मैथ सीखेंगे कि हाउ कैन यू फाइंड स्क्वायर रूट, हाउ कैन यू फाइंड द स्क्वायर बाय डायगोनल मेथड और कॉमन मेथड। इस सारा मेथड हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ाएंगे हम आपको। अब ये मेथड चल रहा है, चलने का मेथड पहले फाइनल कर ले। तो देखो बेटा, डिविजन मेथड बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन समझ में आ जाए। समझ में नहीं आएगा तो हार्ड है, लेकिन समझ में अगर आ गया जब आप समझेंगे तो आ जाएगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है। उसके लिए सबसे पहला काम करिए, समझिए फर्स्ट क्वेश्चन है 625। सबसे पहला काम क्या करना है, फ्रॉम द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट की तरफ से आपको पेयर बनाना है। सबसे पहला काम आपका क्या करना है, तो पेयर यानी दो दो का जोड़ा बनाना है। अगर लास्ट में सिंगल ना हो तो सिंगल जोड़ा, भाई सिंगल का तो नहीं होता, जीरो बना के जोड़ा बनाते हैं, लेकिन जीरो कोई वैल्यू है नहीं, ऐसे जीरो को ना रखते हैं, सिंगल जोड़ा बना लेंगे। ओके, अब कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हम तैयार कर लेते हैं, क्या समझिए, तैयार कर लिए। अब पहला पेयर को ध्यान देते हैं, फर्स्ट पेयर। तो एक ऐसा नंबर डिसाइड करते हैं जिसका स्क्वायर, ध्यान सुनिएगा, एक ऐसा नंबर डिसाइड करेंगे जिसका स्क्वायर पहला पेयर के बराबर हो या उससे कम हो। यानी चूज अ नंबर जस्ट लाइक दैट द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू आर लेस देन द फर्स्ट पेयर। ओके, हियर इज सिक्स, तो आई टेक टू बिकॉज थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन हो जाएगा। जो डिजिट हम यहां ले रहे हैं वही डिजिट हम यहां रखेंगे और उसके नीचे वही डिजिट ले लेंगे। अब टू का स्क्वायर क्या होगा, फोर, और इसको हम ये ऐड करने वाले, ये प्रॉब्लम ऐड करने वाले, यहां सब्ट्रैक्ट होगा, ये ऐड हो जाएगा फोर। अब यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिक्स माइनस फोर कितना हो गया, टू। नेक्स्ट पेयर उतारेंगे, नेक्स्ट पेयर क्या है, 25। यानी सिंगल सिंगल नंबर हमेशा पेयर उतरता है। ओके, अब ये 225 हो गया। अब बेटा यहां अगर हम कोई भी डिजिट रखेंगे, यहां कोई भी डिजिट रखेंगे तो ये टू डिजिट का नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा, ये टू डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो उस डिजिट का मल्टीप्लाई इस टू डिजिट के नंबर में होगा, क्लियर है। यानी इफ वी टेक एनी डिजिट हियर देन दैट टोटल टू डिजिट नंबर एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट डिजिट इन टू डिजिट नंबर एंड राइट द प्रोडक्ट हियर। ओके, अब यहां कौन सी डिजिट रखी जाएगी ये भी सोचना है। तो जो भी नंबर यहां है उसमें से यूनिट डिजिट को हटा दीजिए, तो बचा क्या, अब यहां जो डिजिट है उससे इसको डिवाइड करिए। तो डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन कितना गया, 4, 5 था। तो ये क्लियर हो गया कि 5 होगा या 5 से कम होगा, ये पहले हमने मिटाया था, 5 या 5 से कम ही जाएगा, तो हम 5 ले लें। जो डिजिट यहां लेंगे वही डिजिट यहां लेंगे, तो 5, अभी 45 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, ये कैंसिल हो गया, आप देख रहे हैं। अब जब ये जीरो आ गया ना, इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, यानी बेटा अंडर रूट 625 = 25 ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। इस तरीके से अब थोड़ा बड़ा नंबर ले लें, हमने समझिए 187, ये डी वाला हमने लेना, 18769, वही काम करेंगे, पेयर बनाएंगे, यूनिट पेयर बनाएंगे दो दो का, सिंगल पेयर लास्ट में सिंगल पेयर बन जाएगा। इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेंगे, फर्स्ट पेयर वन है तो वन ही लेंगे, वन का स्क्वायर क्या होगा बेटा, वन, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ये वन प्लस वन क्या हो गया, टू। अब नेक्स्ट पेयर उतारेंगे 87, तो अब बेटा 7 को छुपा लें, 8 बचा, 2 का डिवाइड करेंगे इससे तो मैक्सिमम क्वेश्चन 4 जाएगा। यहां अगर 4 लेते हैं तो 24 से जब डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो 96 होगा, ज्यादा हो गया। अब 3 ले लेंगे, यहां भी 3 रख लेंगे, अब 23 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 3 2 6, और ये ऐड कर लेंगे, ये ऐड हो जाएगा और ये सबट्रैक्ट हो जाएगा, 70 - 9 कितना होगा, 70 - 9 8, और ये 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेयर उतरेगा। अब बेटा जब कंप्लीट डिवाइड होता है, एक चीज और दिमाग में रखिएगा, यहां यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, तो यूनिट डिजिट 9 है, तो यहां पे एक ऐसी डिजिट लें जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पे 9 आए,
या तो 3 होगा या तो 7 होगा, ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि 3 3 9 और 7 7 49, ये भी एक ट्रिक है। तो 3 रखेंगे तो ये 263 होगा, तो कम होगा 7, या इस 9 को हटाकर 186 को 26 से डिवाइड करिए तो 7% से आए, 7 यहां पे रख ले। अब 7 का मल्टीप्लाई 260, ये 3 का नंबर हो जाएगा, 267 में करेंगे, 7 7 49 कैरी 4, 7 6 42 और 4 46 कैरी 4, 7 2 14 4 18, ये कट गए। यानी बेटा अंडर रूट 18769 इक्वल टू 137। इस तरीके से अब इस तरीके क्वेश्चंस आपके, अब इसमें क्वेश्चंस और आते हैं जो कुछ छूटे हैं, जैसे हाउ मेनी डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, एक नंबर दिया रहे, अगर मान ये पूछे कि इस नंबर के स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होगी, तो उस किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होगी, तो उस नंबर का पेयर बना लीजिए, जितने पेयर होंगे उतनी डिजिट्स होंगी। ये सारी चीजें हम लास्ट वाले बताएंगे, और हम इसके बाद बताएंगे आप लोगों को स्क्वायर निकालना कॉमन मेथड से, डायगनल मेथड से, और कुछ ट्रिक बताएंगे। एक ट्रिक इसकी आप सुन लीजिए, ऐसे ही गेम, गेम का मतलब क्या है बेटा, जैसे मान लीजिए ये 54 5 4 7 6 है, हमने आपको बताया किसी भी नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 तभी होगा जब उस नंबर का यूनिट डिजिट या तो 6 होगा या तो 4, ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, दोनों में यूनिट 6 आ रहा है, और यहां जो फर्स्ट पेयर 54 है, तो ये एक ऐसा नंबर चूज करें जिसका स्क्वायर इसके बराबर है, इससे कम आ गया, तो 8 का स्क्वायर 64 ज्यादा हो गया 7 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट या तो 74 होगा या 76 होगा, जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से हम लगा सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट या तो 74 होगा या तो 76 होगा, ये तो क्लियर है। अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे निकाल सकते हैं इस मेथड से, ये भी एक तरीका है। तो बेटा ये डिवीजन मेथड है, कुछ है नहीं, आपको इस तरह सॉल्व करना है, और कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर एक बार और मैं रिवाइज कर दूंगा, आप कोशिश करिएगा समझने का, बार बार वीडियो चला कोशिश करिएगा तो आप समझ लेंगे। आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नई चीज लेके आएंगे, अब यही चलेगा, और हाउ कैन यू फाइंड द स्क्वायर विद द डायगोनल मेथड, और जो मेथड्स हैं किसी बुक में होता है किसी बुक में नहीं होता है, तो उसको हम लोग पढ़ा देंगे। बाकी प्राइवेट फैक्टराइजर मेथड डिवीजन बता दिया बेटा, आप अच्छे से पढ़ाई करिए, आई थिंक दैट आपका 3 चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है। इसके पहले हमने रेशनल नंबर पढ़ा, अप्रोक्सीमेशन नंबर मैंने उसके पहले भेजा था, सारी चीजें मैंने भेजी थी आपको, अब इसके माध्यम से आप कुछ पढ़ लीजिए, आई होप आपको कुछ ना कुछ तैयार होगा और अच्छे से तैयार होगा, ठीक है। तब तक के लिए स्टे होम, बी हैप्पी एंड थैंक यू।